सीक्रेट मिलियनेयर के आगे का एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने शादी का इनविटेशन कार्ड देकर चिरायू ने रिया और रोहन को चौंका दिया था। कुछ देर की बातचीत के बाद रिया चिरायू को अलविदा कहकर रोहन के साथ बंगले पर चली गई थी, लेकिन मायरा उनके साथ नहीं गई और कुछ काम है कहकर वहीं रुक गई। रोहन और रिया के जाते ही मायरा चिरायू के पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर आश्चर्य से बोली, चिरायू डार्लिंग, ये सब क्या है? तुम शादी कर रहे हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इस पर चिरायू बोला, मैं तुम्हें हर बात बताऊं ये जरूरी नहीं है मायरा, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए कुछ बातें राज ही रहें तो बेहतर है। अब तुम मुझसे तो ये पहेली मत बुझाओ चिरायू डियर। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो कि वो लड़की कौन है जिसे तुम अपनी दुल्हन बनाने वाले हो, कहीं वो लड़की मैं तो नहीं? मायरा चिरायू के बालों से खेलती हुई प्यार से बोली। मायरा की ये बात सुनकर चिरायू की हंसी छूट गई। तुम्हारा दिमाग खराब है मायरा, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? हम दोनों तो सिर्फ मजे के लिए साथ रहते हैं, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। चिरायू की ये बात सुनकर मायरा चिढ़ गई और उससे दूर होकर बैठ गई। इस पर चिरायू बोला, अरे मायरा, तुम तो नाराज हो गई। मैं भले शादी कर लूं, लेकिन फिर भी तुम जब चाहो मेरे साथ अच्छा समय बिताने मेरे पास आ सकती हो। इतना बोलकर चिरायू मायरा को गंदी नजरों से देखने लगा। नो थैंक्स, मैं अकेली ही अच्छी हूं, मायरा गुस्से में बोली। अच्छा ये बताओ, अगर तुम शादी कर लोगे तो फिर हमारे प्लान का क्या होगा? फिर तुम रिया के करीब कैसे जाओगे और रोहन को मेंटली कैसे वीक करोगे? मायरा ने टेंशन में आकर एक के बाद एक चिरायू पर कई सवाल दाग दिए। यार मायरा, तुम सवाल बहुत करती हो। हमारा प्लान जैसा था वैसा ही रहेगा, इनफैक्ट पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चिरायू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, मायरा कंफ्यूज होकर बोली। तुम्हारा सारा कंफ्यूजन मेरे बर्थडे वाले दिन दूर हो जाएगा मायरा। इधर लाल सिंदूर में दुल्हन की मांग मैं भरूंगा, लेकिन उधर दर्द और तकलीफ से लाल खून रोहन का बहेगा। इतना बोलकर चिरायू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। एक हफ्ता बीत गया, वो दिन आ गया जब चिरायू का बर्थडे था और इसी दिन वो शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। चिरायू ने अपनी बर्थडे पार्टी और शादी की रस्मों का इंतजाम सिंगापुर से कुछ किलोमीटर दूर ही एक प्राइवेट आइलैंड पर रखा था। उसने ये पूरा आइलैंड ही बुक करा लिया था। वहां एक आलीशान रिजॉर्ट में मेहमानों के रुकने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। इस समारोह में बिग बुल के सभी खास रिश्तेदार और बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर शामिल होने आए थे। हालांकि खुद बिग बुल किसी जरूरी काम के चलते नहीं आ पाया था। उधर रिया, मायरा और रोहन भी इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आइलैंड पर पहुंच गए थे, जहां रिया चिरायू की इस शादी को लेकर काफी एक्साइटेड थी, तो वहीं रोहन की यहां आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो यहां सिर्फ रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। दूसरी ओर मायरा ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि चिरायू आखिर किस लड़की से शादी करने जा रहा है। आइलैंड पर कदम रखते ही रोहन ने नोटिस किया कि यहां काफी तगड़ी और बड़ी सिक्योरिटी है, सैकड़ों की संख्या में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड लगभग हर जगह गश्त लगा रहे थे। रोहन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि एक नॉर्मल सी शादी के लिए इतनी हैवी सिक्योरिटी का होना अपने आप में बड़ा अजीब था। कुछ गड़बड़ होने की आशंका के चलते रोहन चौकन्ना हो गया था और अपने आसपास मौजूद हर चीज पर कड़ी नजर रख रहा था। कुछ देर बाद रिया, मायरा और रोहन रिजॉर्ट में मौजूद एक बड़े से हॉल में पहुंचे। यहां स्टेज पर एक बड़ा सा बर्थडे केक था जिसे चिरायू काटने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर रिया पर पड़ी और वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आया। फिर चिरायू ने अपना बर्थडे केक कट किया और हाथ में केक का एक पीस उठाते हुए माइक में सबसे बोला,
मैं जानता हूँ कि आप सभी मेरे बर्थडे से ज्यादा ये जानने का इंतजार कर रहे हैं कि वो लड़की कौन है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप सभी का सस्पेंस दूर कर देता हूँ। मेरे हाथ में मौजूद ये केक का टुकड़ा अब जिस भी लड़की के मुंह में जाएगा वही मेरी होने वाली दुल्हन होगी। इतना बोलकर चिरायु हाथ में केक का टुकड़ा लेकर इधर उधर घुमाने लगा और फिर अचानक रिया के सामने आकर उसे वो केक खिलाने लगा। ये देखकर रिया ने अपने कदम पीछे कर लिए। चिरायु, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये केक अपनी होने वाली बीवी को खिलाना चाहिए। इस पर चिरायु रिया को जुनून के साथ देखकर बोला, मैं उसे ही तो खिला रहा हूं, तुम ही तो हो मेरी होने वाली बीवी जिससे मैं आज और अभी शादी करने वाला हूं। चिरायु की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, खासकर रिया। उसके दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो तो चिरायु की शादी अटेंड करने आई थी, लेकिन वो खुद इस शादी में चिरायु की दुल्हन बन जाएगी, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उधर रोहन को भी ये बात जानकर जोरदार झटका लगा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो स्टेज पर जाकर चिरायु का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो रिया के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। अगर रिया अपनी मर्जी से चिरायु से शादी करने को राजी हो जाती है तो रोहन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो रिया को पहले ही गुस्से में बोल चुका था कि आज के बाद वो उसकी पर्सनल लाइफ में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, सिर्फ उस पर जान का खतरा होने की सिचुएशन में ही उसका बॉडीगार्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब रोहन समेत पार्टी में आए सभी मेहमानों की आंखें रिया पर टिकी थी। सभी ये जानना चाहते थे कि रिया अब क्या करेगी, खासकर मायरा, जिसको भी चिरायु के इस सरप्राइज के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो भी ये जानकर हैरान और परेशान थी कि चिरायु रिया से प्यार करने का नाटक करते करते शादी तक कैसे पहुंच गया। फिर मायरा ने सोचा, अगर चिरायु और रिया की शादी हो जाती है तो रोहन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उसे हराना आसान होगा, और रोहन के रास्ते से हटने के बाद रिया को तो कभी भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका जा सकता है। इसलिए अब चिरायु की तरह मायरा भी चाहती थी कि ये शादी हो जाए, लेकिन रिया, उसे चिरायु से शादी करना तो दूर, उसकी गर्लफ्रेंड बनना भी मंजूर नहीं था। वो उसे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं मानती थी। उसके अलावा रिया ने चिरायु को डिनर के दौरान लफंगे लड़कों से लड़ते देखा था। लड़ाई के दौरान चिरायु जिस तरह से हिंसक हो जाता है उससे रिया को पक्का यकीन हो गया था कि वो उसके टाइप का लड़का नहीं है। इसलिए जब चिरायु ने सबके सामने रिया से शादी करने की बात कही तो वो बोली, चिरायु तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर रोहन ने राहत की सांस ली। वहीं वहां मौजूद मेहमानों ने खुसर फुसर चालू कर दी। ये देखकर चिरायु बोला, रिया शादी तो तुम्हें करनी होगी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, सभी मेहमान भी हमारी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुम मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो चिरायु, रिया ऊंची आवाज में बोली। इस पर चिरायु रिया को साइड में ले जाकर बोला, धीरे बात करो रिया, सभी मेहमान देख रहे हैं, और रही बात तुमसे शादी के डिसीजन की, तो उसमें गलत क्या है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे पसंद करती हो, मेरे साथ घूमती फिरती हो, अच्छी अच्छी बातें करती हो, तो अब शादी भी कर लो। इस पर रिया भड़क गई और बोली, ऐसे कैसे शादी कर लो, शादी कोई मजाक है क्या, और रही बात तुम्हारे साथ घूमने फिरने की, तुम्हें पसंद करने की, तो वो सब मैंने एज अ फ्रेंड किया था, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती और शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। एक बार फिर रिया की आवाज तेज हो गई, जिसे सभी मेहमानों ने सुन लिया, और चिरायु रिया को देखकर आपस में खुसर खुसर करने लगे। ये देखकर चिरायु को गुस्सा आया और उसने थोड़ा आक्रामक होते हुए रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। अपनी आवाज नीचे रखो रिया, तुम मुझ पर चिल्लाकर मेहमानों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो, अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने दादाजी बिग बुल से वादा कर चुका हूँ कि तुम उनकी बहू बनोगी, इसलिए शादी तो तुम्हें करनी होगी, फिर इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो या ना हो,
इतना बोलकर चिरायु धमकी भरी नजरों से रिया को घूरने लगा। लेकिन रिया चिरायु से डरी नहीं और उसे हल्का सा धक्का देकर दूर करते हुए बोली, ऐसे कैसे करनी होगी शादी, कोई जबरदस्ती है क्या? रिया ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। फिर एक पल के लिए वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। अब सबकी नजरें चिरायु को घूर रही थी। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि बिग बुल के पोते से कोई इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है। उधर रिया का रिएक्शन देखकर रोहन भी एक्टिव हो गया। वो समझ गया कि रिया अब इस शादी के लिए 1% भी राजी नहीं है। उधर रिया चिरायु को फटकार लगाने के बाद स्टेज से नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी चिरायु ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए गुस्से से घूरने लगा। बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे रिया, तुम बार बार सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। अब तो मैं तुमसे हर हाल में शादी करके रहूंगा, आखिर ये मेरे साथ साथ मेरे दादाजी की इज्जत का भी सवाल है। ये सुनकर रिया के सब्र का बांध भी टूट गया। उसने चिरायु को जोर का धक्का देकर खुद से दूर किया और भड़कते हुए बोली, भाड़ में जाए तुम और तुम्हारे दादाजी, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। रिया के मुंह से दादाजी की इंसल्ट सुनकर चिरायु के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा और उसने रिया को सबके सामने एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि रिया स्टेज पर गिर पड़ी। मेरे दादाजी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना बोलकर चिरायु कातिल निगाहों से रिया को घूरने लगा। उधर ये देखते ही रोहन के तन बदन में आग लग गई। चिरायु ने रिया को जो थप्पड़ मारा था वो देखकर रोहन के अंदर का ज्वालामुखी भी फट पड़ा और वो फौरन चिरायु को मारने स्टेज की ओर दौड़ा। लेकिन तभी करीब 50 हथियार बंद आदमी वहां आए और घेरा बनाकर सभी ने रोहन पर बंदूक तान दी। उधर चिरायु ने स्टेज पर पड़ी रिया के बाल बेरहमी से पकड़े और उसे उठाते हुए रोहन की ओर देखकर बोला, अपने कदम वहीं रोक लो तो बेहतर होगा रोहन, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो रिया की यहां से डोली उठे या ना उठे लेकिन अर्थी जरूर उठेगी। इतना बोलकर चिरायु ने अपनी जेब से गन निकालकर रिया के माथे से सटा दी। ये देखकर रोहन ना चाहते हुए भी रुक गया। वो कोई भी एक्शन लेकर रिया की जान को खतरे में डालने का रिस्क नहीं ले सकता था। चिरायु की यह हरकत देखकर रिया बोली, रोहन सही था, तुम एक घटिया इंसान हो चिरायु, रोहन की तरह मैंने भी अब तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। काश मैं रोहन की बात मान लेती और तुमसे दूर रहती। अभी से दूर जाने की बात मत करो मिस रिया, शादी के बाद हमें सुहाग रात भी तो मनानी है, फिर तो मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊंगा। इतना बोलकर चिरायु रिया को गंदी नजरों से घूरने लगा। फिर चिरायु ने हवा में अपनी बंदूक लहराई और अपने आदमियों से बोला, शादी की तैयारियां शुरू करो, शादी की हर रस्म धूमधाम से होगी, मेरी रिया दुल्हन की तरह सजेगी और हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तो अब क्या होगा आगे? क्या चिरायु और रिया की सच में शादी हो जाएगी? अगर हाँ तो रिया की लाइफ पर इसका क्या असर होगा और रोहन का क्या? क्या वो इस पूरी सिचुएशन में कोई बड़ा सा एक्शन ले पाएगा? क्या वो रिया को चिरायु की दुल्हनिया बनने से रोक पाएगा?